मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पंजाब पाकिस्तान के एक कसीर मकासिद स्टेडियम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मलकियत है। यह स्टेडियम मुल्तान के नवाही इलाके वहारी रोड के करीब वाकिया है। इसकी गुंजाइश 35,000 है। इसने अगस्त 2001 में अपने पहले टेस्ट मैच की मेजबानी की, जब 2001 से 2002 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला हुआ। इस ग्राउंड का इफ्तिताह 2001 में मुल्तान के कल्बे वाकिया इब्दुल कासिम बाग स्टेडियम के मुतबादल तौर पर किया गया। स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच अगस्त 2001 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था, जबकि पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच 9 सितंबर 2003 को इन्हीं टीमों के दरमियान हुआ। डे नाइट क्रिकेट मैचों को मुमकिन बनाने के लिए बाद में फील्ड लाइट्स लगाई गई। इस ग्राउंड में खेले जाने वाला पहला डे नाइट मैच रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 16 फरवरी 2006 को खेला गया। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि मुल्क में कई दीगर टीमों के साथ इस मुकाम को पाकिस्तान सुपर लीग में मुस्तकबिल के बैन अल-अक़वामी मैचों और फिक्स्चर के लिए तैयार करने के लिए एक तब्दीली की जाए। इस स्टेडियम ने 26 फरवरी 2020 को अपने पहले पाकिस्तान सुपर लीग मैच की मेजबानी मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर सलमी के दरमियान की थी। इस स्टेडियम ने 2020 पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान 3 मैचों की मेजबानी की। यह मोहम्मद रिजवान की जेर क्यादत मुल्तान सुल्तान्स का होम ग्राउंड है। 30 मई 2022 को पीसीबी ने ऐलान किया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जोन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। मुल्तान ने 8 जून 2022 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे के साथ 14 सालों में अपने पहले बैन अल-अक़वामी मैच की मेजबानी की। अगस्त 2022 में पीसीबी ने ऐलान किया मुल्तान दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए एक जगह के तौर पर काम करेगा।